हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे केक। हैप्पी क्रिसमस। तो क्रिसमस पे हम केक बनाने चल रहे हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने क्या क्या लिया है? तो हमने 2-3 पैकेट बॉर्न बिस्किट लिया है, 2 चॉकलेट है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। और ये केक तो बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो सारे बिस्किट हम निकाल ले रहे हैं बाहर, और इसमें जो अंदर की चॉकलेट है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। उसको एक कटोरी में निकाल के रख ले रहे हैं। मिक्सी के जार में इसको हम सारा बिस्किट रख ले रहे हैं। इसका हम पाउडर बना लेंगे। 2 चम्मच हम चीनी इसमें डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, हमने थोड़ा ही डाला है। ये पाउडर हम निकाल लिए। इसको अब बड़े बर्तन में डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध मिलाएंगे, और दूध मेरा उबाला हुआ नहीं है और ये सादा दूध है, कच्चा दूध जिसे बोलते हैं। तब थोड़ा थोड़ा इसमें हम डाल रहे हैं। इसका बैटर ना ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, एक बराबर का होना चाहिए। तो ये देखिए, एक बराबर से ये बैटर बन के तैयार हुआ है। हमने एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाला है और एक चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला दे रहे हैं। इसमें 1 चम्मच हम थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं। पाउडर डालने के बाद इसको डाल के अच्छे से इसको मिला दे रहे हैं, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए और बहुत अच्छे तरीके से केक उठ भी जाए। तो हमने एक पतीला लिया है, उसमें थोड़ा सा घी या रिफाइंड आपके पास जो हो वो डाल लीजिए। तो हमने घी लगाया है। अब नीचे इसमें हम मैदा डाल दिए हैं। अब उसी पतीले में ये बैटर डाल दे रही हूँ। इसको डालने के बाद थोड़ा सा ज़मीन में इसको मैं पटक दूंगी, ताकि ये बैटर अच्छी तरीके से चारों तरफ फैल जाए। दूसरे बर्तन में हमने नमक डाल के गैस पे ये रख दिया था। नीचे नमक डाल दिया है, नीचे हमने कुछ जाली नहीं रखा है, ना प्लेट रखा है। सिंपल तरीके से नमक के ऊपर इसको मैं रख दे रही हूँ। अब इसको मैं 25 मिनट के बाद खोलूँगी, और ये 25 मिनट हो गया है। अभी बहुत गर्म है, लेकिन हम इसको बहुत आराम से निकाल रहे हैं। अब इसको हम चाकू की सहायता से थोड़ा नीचे से उठा ले रहे हैं, और ये देखिए चाकू कितनी आसानी से केक से निकल आ रही है। अब इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा केक फूला है और बनके ये तैयार हो गया है। कहीं से भी एक भी थोड़ा सा भी कहीं ये कम नहीं फूला है, चारों तरफ से बराबर फूला हुआ है। और जो हमने चॉकलेट रखा था उसको ऊपर से डाल दे रहे हैं। इसको हमने पिघला लिया था एक कटोरी में। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चारों तरफ से केक लग गया है, और दूसरे प्लेट में रख के मैं दिखा रही हूँ। आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगा है। मेरा वीडियो शेयर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।